अच्छा, अगला एडजस्टमेंट है आपका लॉकर रेंट। ये इनकम में जाएगा, ये कहाँ जाएगा आपका? इनकम में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपका जाएगा, आपका इंटरेस्ट है जाहिर सी बात है, ये भी इनकम का पार्ट है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें फोकस करिएगा, इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट में पर आपका इंटरेस्ट दिया हुआ है 1000 रुपीज़। यहाँ देखोगे 10% इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2016, यानी इन्वेस्टमेंट आपने 1 अप्रैल 2016 को किया, कितना? 16,000। और उस पर रेट कितना दिया है? 10%। अगर आप निकालोगे यानी 1 अप्रैल से आप 31 दिसंबर जाओगे, कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया? 1 अप्रैल 2016 को, और एंड में क्या है आपका? 31 दिसंबर। यहाँ से यहाँ जाओगे तो कितने मंथ आएंगे? 9 मंथ। तो 9 मंथ का 16,000 पे 10% निकालोगे तो कैसे निकालना आपको पता ही है। आपको निकालने का होगा 60,000, ठीक है, 10%, और 9 मंथ का 9 बाई 12, कट करने पे आपका आएगा 1200। लेकिन आपने रिसीव कितना किया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? 1000। तो क्या करेंगे इसमें? आपको 1200 लिखना है, तो आप क्या करोगे इसमें 200 ऐड करके आउटस्टैंडिंग के नाम से दिखाओगे इस तरीके से, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000, एक्रूड आप इंटरेस्ट दिखाओगे 200 रुपये, और 1200 रुपये बाहर कर दोगे, ठीक है, क्लियर। ये हो गया सेल्स ऑफ फर्नीचर। ज़रा देखिए फर्नीचर पे क्या है, सेल्स ऑफ फर्नीचर का ये अमाउंट आप नहीं दिखाओगे, ये अमाउंट भी नहीं दिखाओगे, दोनों में से कोई नहीं जाएगा। इस पे हुए प्रॉफिट या लॉस को दिखाएंगे। अब कैसे प्रॉफिट लॉस कंसीडर होगा? सेल्स ऑफ फर्नीचर, जिस फर्नीचर को आपने बेचा उसकी बुक वैल्यू कितनी? 8000। आप बेच कितने का रहे हो? 10,000 का। तो 2000 का प्रॉफिट हुआ, 2000 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट किस में जाएगा? इनकम में। अगर सपोज दैट यही उल्टा होता, बुक वैल्यू होती 10,000 और बेचते आप 8000, तो 2000 का लॉस होता तो एक्सपेंडिचर में। यानी सेल्स, आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करेंगे, चाहे फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, बुक्स हो, इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी प्रॉपर्टी सेल करेंगे उस पर, प्रॉपर्टी की भी मैं बात कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर की, मैगजीन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी एसेट्स की बात कर रहा हूँ, तो उसकी बुक वैल्यू कितनी? 8000। आपने बेचा कितना? 10,000। तो 2000 का प्रॉफिट हुआ, तो आप किस में दिखाओगे? आप इनकम में 2000 रुपये। इनकम में कहाँ है प्रॉफिट? या प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर 2000 रुपये, ठीक। तो अब आते हैं इंट्रेंस फी। इंट्रेंस फी कहाँ जाएगा आपका? इनकम। मैंने बोला इधर का आइटम या तो इनकम में होगा या तो लाइबिलिटीज़ में। तो लाइबिलिटीज़ में कौन कौन गया है? पहला ये है डोनेशन ऑफ फॉर बिल्डिंग, लाइफ मेंबर फी, बाकी सब लगभग इनकम का पार्ट है, और इसके लिए तो एडजस्टमेंट अलग से था जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया। ये मैंने समझा ही दिया डेट के अकॉर्डिंग कैसे निकालना है। अब इधर से फटाफट आते हैं, स्पोर्ट इक्विपमेंट आपका एसेट्स प्रॉपर्टी है ना, स्पोर्ट का कोई भी इक्विपमेंट है, जैसे पैड है, बैड है, बॉल है, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं स्पोर्ट में, स्पोर्ट में बहुत सारे इक्विपमेंट है, उसके जितने भी मटेरियल सब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, तो एसेट्स में जाएगा। ये कहाँ जाएगा आपका? एसेट्स में। ये तो हो ही गया, मैंने समझा दिया एक्सपेंसेस। फर्नीचर आपका प्रॉपर्टी है, एसेट्स में जाएगा, और ये एक्सपेंसेस में हो गया। इन्वेस्टमेंट आपका एसेट्स में जाएगा, ठीक है। सैलरी आपका एक्सपेंसेस में, इंश्योरेंस आपका एक्सपेंसेस में, सन्ड्री एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस में, और बैलेंस शीट कैश का है, कैश कहाँ जाता है? एसेट्स में, ठीक, क्लियर। अब आते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मैंने ये तो आपको समझा ही दिया लास्ट वीडियो में कैसे क्या करना है। अब आते हैं 50% ऑफ द एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज। कोई भी आइटम को अगर वो कैपिटलाइज कह रहा है करने को, जितना भी परसेंट, तो जितना भी परसेंट आपको कैपिटलाइज करने को बोलेगा उसका उतना परसेंट निकाल कर हम लोग कहाँ दिखाएंगे? लाइबिलिटीज़ में। कैपिटल ऐसे याद रख लो आप,
कैपिटल कहाँ होता है, लाइबिलिटीज़ में जाता है, तो कैपिटलाइज बोल रहा है तो आपको 50% उसका निकाल कर कहाँ डाल देना है, लाइबिलिटीज़ में। ठीक है, याद रख रहे, याद रहेगा, रख लेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम। 50% बोल रहा है तो देखिए इंट्रेंस फीस कहाँ आपका, ये है आपका 5000 दिया हुआ है, 5000 का 50% कितना होगा, 2500 रुपये। 2500 रुपये आप कहाँ दिखा दोगे, 2500 आप दिखा दोगे लाइबिलिटीज़ में, और 2500 जो बचेगा वो कहाँ दिखाओगे, जाहिर सी बात है मैंने कहाँ बताया था, इनकम में। ज़रा देख लो इनकम में है वो इंट्रेंस फी 2500। ठीक, अब आते हैं अगला एडजस्टमेंट, डोनेशन फॉर द बिल्डिंग इंक्लूड द 10% जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन मतलब सामान्य है, छोटे मोटे कोई आपको मिला होगा कहीं से, तो किसका बोल रहा है, बिल्डिंग का। बिल्डिंग कहाँ है आपका, ज़रा देखो, डोनेशन हमें 50000 है, इसका 10% जनरल है, तो 10% इसको निकाल के कहाँ दिखा देंगे, इनकम में। इसका 10% देख लो, जनरल डोनेशन 10%, और नहीं बोलता तो ये पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ जाता, लाइबिलिटीज़ में 50000 रुपये। अब लाइबिलिटीज़ में आप कितना दिखाओगे, 45000 रुपये। ये अगर नहीं बोलता तो ये पूरा का पूरा 50000 लाइबिलिटीज़ में, लेकिन इसका 10% कहाँ गया, जनरल 10%। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब 10% जनरल हो गया तो जाहिर से बात है इसको क्या करेंगे हम लोग, अब इसको 45 आगे बढ़ते हैं। ये है हाँ, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1 जनवरी 2016, और सैलरी फिर क्या एज ऑन कहता है 31 दिसंबर 2016, 500 रुपीज़। दो है, देखिए जब भी इस तरह का देगा तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। January 1, 2016 जब भी ऐसा लिखेगा तो आप इसको मानोगे ये क्या कब का है, 31 दिसंबर 2015। ठीक है, जब भी कोई लिखेगा उसके एक दिन पहले का ही मान लेंगे, अभी तो ये कैलेंडर ईयर है। अगर ये मान लीजिए होता क्या, अप्रैल 2016, तो इसको मान लेते 31 मार्च 2016, फाइनेंशियल ईयर पिछला ये हो जाता 31 मार्च। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको एडजस्टमेंट सिखाया था कि कैसे करना है, तो ये क्या है 31 दिसंबर 2016 का है, तो प्रीवियस ईयर का ये हो गया, ये क्या हो गया प्रीवियस ईयर का हो गया, और ये हो गया करेंट ईयर का। तो हमने बताया था कोई भी एक्सपेंडिचर, सैलरी तो एक्सपेंडिचर है, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए इनकम है एक्सपेंडिचर है, सैलरी एक्सपेंडिचर है, और ये प्रीवियस ईयर का हो गया, 1 जनवरी या 1 अप्रैल का कोई चीज़ रहेगा तो उसे प्रीवियस ईयर का ही मानना है, और 31 दिसंबर 31 मार्च का रहेगा तो वो करेंट ईयर। डन डन। तो करेंट ईयर को के साथ बिहेव क्या करना ये याद रखो, प्रीवियस ईयर का जस्ट अपोजिट। तो करेंट ईयर का सैलरी 500 है तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, तो प्रीवियस ईयर का 1000 माइनस होता है, बस याद रखना है, करेंट ईयर का प्लस तो प्रीवियस ईयर का माइनस, प्लस तो प्रीवियस ईयर का माइनस, करेंट ईयर का माइनस तो प्रीवियस ईयर का प्लस। ये मैंने रूल समझाया था पिछले वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं उस रूल्स को, समझ सकते हैं। अब मैं जिस पूरे क्वेश्चन को मैंने समझा दिया, इसका मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है उसका आप शॉर्ट स्क्रीन लेकर समझ सकते हैं। मैं बुक का भी शॉर्ट स्क्रीन दे देता हूँ, आप ले लीजिए, और कॉपी से मैंने कैसे सॉल्व किया उसको भी सर आप बुक का देख लीजिए, पहले शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। और मैंने कैसे सॉल्व किया ये अभी आप देख सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ, तकनीकी रूप से मैं कमज़ोर हूँ लेकिन समझाने में कोई कमी नहीं रहेगी मेरे, आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं अगला क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, इलस्ट्रेशन नंबर 47, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक एक चीज़, बारीकी चीज़ें जो है, जो आपको समझना बहुत ही कंपल्सरी है, समझ लेंगे आप एक दो चार क्वेश्चन तो आप इस क्वेश्चन को आई थिंक 70% हैंडल कर लेंगे। आप 30% तो जानते हैं, एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपको इस क्वेश्चन में मिलता जाएगा वैसे वैसे ये इजी होता जाएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा, क्लियर है? ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।